नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टूडियो में बात करेंगे आज के मौसम के बारे में कि आने वाले 24 घंटों में भारत का मौसम किस प्रकार का रह सकता है, भारत के किन क्षेत्रों में बारिश होगी और भारत के किन क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा और आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में तेज सर्दी होने की संभावना जताई गई, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने आ गए। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आप हमारे राज्य का या जिले का मौसम बताइए, हम उन जिले और राज्य का मौसम भी यहां पर बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी अपने राज्य या जिले का मौसम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि आने वाले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे सके। चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान किन क्षेत्रों में तेज बारिश हुई थी। तमिलनाडु के तटीय भागों और रायसीमा के कई स्थानों पर गरज के साथ भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, रायसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है और देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आने वाले 24 घंटों में मौसम किस प्रकार का रहेगा। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, रायसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, शेष आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी भारत में आने वाले 3 से 4 दिनों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट जारी रहने का अनुमान है। कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, चलिए उनकी बात कर लेते। पहला कमेंट आया था राजस्थान के श्री गंगानगर से। हां दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटों में श्री गंगानगर का मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आने वाले 3 से 4 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी होने के कारण सर्दी बढ़ने की संभावना जताई गई है।